हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके पास खुद का घर भी नहीं है, जो किराए के घरों में रह रहे हैं, जिनको दो वक्त की रोटी कमाने के साथ साथ किराए देने की भी चिंता रहती है। यूं तो हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया है, लेकिन हमारे देश के गरीबों के लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इस लॉकडाउन ने उन लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। लोगों का काम लगभग खत्म ही हो चुका है। ये कहानी एक गरीब मजदूर की है जिसका नाम नरेंद्र है। वो अपने परिवार को लेकर गांव से शहर आ जाता है और किराए के मकान पर रहने लगता है। वो एक चाय की दुकान पर काम करके अपना घर चलाता है। चाय के काम को शाम तक खत्म करके सब्जी की रेड़ी लगाया करता था। इसके अलावा भी उसे जो भी काम मिलता था वो कर लेता था, फिर चाहे वो शादियों में वेटर का काम हो या किसी के घर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला पाता था। एक दिन जब रोज की तरह वो चाय की दुकान पर जाने लगा, तब उसे पूरी सड़क पर सारी दुकानें बंद दिखाई देती हैं। सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं थी, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नरेंद्र थोड़े आगे जाकर देखता है तो अचानक पीछे से एक आवाज आती है, कहाँ घूम रहा है? वो घबरा कर जैसे ही पीछे देखता है, उसे एक पुलिस वाला दिखता है। कहाँ घूम रहा है? साहब, मैं तो अपनी चाय की दुकान पर आया था, लेकिन यहाँ तो सब बंद है। तेरा दिमाग खराब है क्या? जब सड़क पर कोई नहीं है फिर तू क्यों घूम रहा है? अरे साहब, लेकिन आज कोई इलेक्शन है क्या जो सब बंद पड़ा है? अरे गवार, तुझे पता नहीं है क्या, सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से पूरा देश बंद है। घर चला जा, नहीं तो अंदर बंद कर दूंगा। अरे साहब, मुझे तो यही नहीं पता कि ये लॉकडाउन क्या होता है। अरे मूर्ख, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की बीमारी फैली है, अगर घर से बाहर निकला तो तू भी बीमार हो जाएगा। चल निकल यहाँ से और सीधे अपने घर चला जा। अब नरेंद्र ये सोचते हुए घर जा रहा होता है कि अब वो घर कैसे चलाएगा। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? सुनो, कोई नई बीमारी आई है जिसकी वजह से देश में लोगों की मौत बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए कोई बाहर सड़कों पर नहीं जा सकता। सरकार ने सब कुछ बंद कर रखा। ये बात आपसे किसने कही? अरे मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, मैंने देखा सड़क पर कोई भी नहीं था। इतने में एक पुलिस अधिकारी ने मुझे आवाज लगाई और मुझे बताया कि एक भयानक बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह से सबको घर में रहने के लिए कहा है। पिताजी, अगर आप बाहर जाकर काम नहीं करोगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? हाँ बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं, सब काम धंधे बंद हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मकान का किराया कैसे देंगे? बेचारा नरेंद्र सोच में पड़ जाता है कि अब कैसे घर का खर्चा चलेगा, पता नहीं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। नरेंद्र अपने बच्चों को समझाता है कि किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, जो भी सामान चाहिए मैं तुम्हें लाकर दूंगा। दो दिन बाद, सुनो, घर में खाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, उनसे सामान ले आता हूँ। लेकिन फिर हम मकान का किराया कैसे देंगे? उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, अभी घर का कुछ सामान ले आता हूँ। नरेंद्र घर का सामान लेने चला जाता है। जब वो रास्ते पर जा रहा होता है तब उसे कुछ दूरी पर ही एक लंबी लाइन दिखाई देती है जिसमें लोग कुछ दूरी बनाकर और हाथ में थैले लेकर खड़े होते हैं। नरेंद्र चलता रहता है, लाइन बहुत दूर तक होती है। वो देखता है कि वहां सूखा राशन मिल रहा है। नरेंद्र सोचता है कि अगर वो भी इस लाइन में लग जाए तो उसके पैसे बच जाएंगे। नरेंद्र लाइन में लग जाता है और बहुत देर तक वहीं लाइन में खड़ा रहता है, परंतु आधी लाइन से ही उसे पता लगता है कि वहां सूखा राशन खत्म हो चुका है। नरेंद्र बेचारा दुखी और मायूस होकर वहां से आगे चलने लगता है और सड़क पर जाते हुए पुलिस वाला फिर उसे रोक लेता है। अरे भाई, कहां घूम रहे हो, हैं? घर में क्यों नहीं बैठते हो तुम लोग? क्यों बीमारी घर में साथ ले जाना चाहते हो? साहब, मुझे मेरी पत्नी ने राशन के लिए भेजा है, लेकिन सभी दुकानें बंद हैं। अब बताइए मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं राशन? मेरे बच्चे दो दिन से ठीक से खाना ना मिलने की वजह से परेशान है। मुझे लगता है कि ये बीमारी हमें मारेगी या नहीं, लेकिन इस भूख से हम जरूर मर जाएंगे। मैं अपने परिवार को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता साहब, इससे अच्छा तो आप मुझे और मेरे परिवार को जेल में ही डाल दो।
कम से कम हमें वहाँ दो वक्त का खाना तो मिलेगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमको पता नहीं है कि लॉकडाउन के चलते सरकार ने गरीबों के खाते में 500-500 रुपए जमा करने की घोषणा भी की है। साहब मेरा कोई खाता नहीं है साहब, मैं तो खुद एक किराए के मकान में रहता हूँ, दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से अपने परिवार को खिला पाता हूँ साहब, खाता कहाँ से खुलवाऊंगा। नरेंद्र जैसे लोगों के जीवन में बैंक खाता या सरकारी दस्तावेज का होना सपनों जैसी बात थी। सरकार की कोई घोषणा या योजना इनसे काफी दूर थी। पुलिस वाले को नरेंद्र पर दया आ जाती है, वो नरेंद्र को एक गोदाम में ले जाता है। वहां से पुलिस वाला नरेंद्र को राशन का कुछ सामान निकलवा कर दे देता है। नरेंद्र हाथ जोड़कर बोलता है, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रहते हो तुम? साहब मैं यहीं पास ही किराए के मकान में रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर से तुमको कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। जब पुलिस वाला नरेंद्र को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में एक आदमी उन्हें रोकता है। अरे लॉकडाउन में तुम रोड पर क्या कर रहे हो? सर नमस्कार, मैं खुद एक सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ खाना पहुँचाना है। आप कोरोना से लोगों की जान बचाइए और हम लोगों को भूखा मरने से बचाएंगे, आखिरकार ये लड़ाई हम सबकी है। भाई साहब क्या मैं आपके साथ खाना लेने चल सकता हूँ? मेरे घर के आसपास कई परिवार भूख से मर रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आओ मेरे साथ। पुलिस वाला नरेंद्र को संस्था के आदमी के साथ भेज देता है। अब नरेंद्र अपने आस पड़ोस के परिवार के लिए भी खाना लाकर देता है, फिर अपने घर चला जाता है। देखो मैं हम सबके लिए खाना लाया हूँ और कुछ घर का राशन भी मुझे एक पुलिस वाले ने दे दिया है। नरेंद्र के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी आपको ये खाना कहाँ से मिला? ये खाना मुझे एक सेवा समिति के द्वारा मिला है बेटा, कल से मैं भी उसी संस्था के साथ सेवा करने के लिए जाऊंगा और जरूरतमंद लोगों को भूख से मरने से बचाऊंगा। लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं है, इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मजबूरी को समझकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए।